हाय एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से एक और मज़ेदार योगा सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की जो योगा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपकी डेली रूटीन से हैं, आपकी लाइफ बैलेंस से हैं। लोग जिनकी हाइट छोटी होती है या बच्चे जो होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारी हाइट इंक्रीज़ हो जाए, एक ख़ास एस्पेक्ट तक बढ़ती जाए। तो आज का योगा उसके लिए है जो कि रियली रियली इफ़ेक्टिव है। आप इसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको विद इन अ मंथ और टू आपको विजिबल इफ़ेक्ट उसमें नज़र आएगा। उससे पहले आप अपनी मेजरमेंट्स ज़रूर कर लीजिएगा हाइट की। अच्छा जी, फाइव डिफरेंट पोजेस हैं जिसमें सन सैल्यूटेशन है, ट्रायंगल है, ट्री है, सीटेड फॉरवर्ड है और कैट पोज है। दीज पोजेज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। बात यह है कि केयरफुली आप इसको करें तो बेहतर रहेगा और इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेनर करें तो ज़्यादा अच्छा है। टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ सन सैल्यूटेशन। सन सैल्यूटेशन के बेसिकली 12 डिफरेंट कैटेगरी के पोजेस हैं, बट उसमें जो फर्स्ट पोज है सन सैल्यूटेशन का, ये वाला जिसमें आप बैक स्ट्रेच करते हैं, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप इनहेल करें उसके बाद बैक स्ट्रेच करें तो होल्ड करें सांस को, सांस मत लें, एटलीस्ट 10 सेकेंड करें, फिर एक्सहेल करके स्ट्रेट हो जाएं। सेकेंड वन इज़ कैट पोज। कैट पोज की पोजीशन में आपने 30 सेकंड्स तक रहना है, फिर उसके बाद आपने स्लोली ग्रेजुअली आप चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, फिर दोबारा से कैट पोज, फिर चाइल्ड पोज और फिर कैट पोज और फिर चाइल्ड पोज, मतलब तीन दफ़ा आपने कैट पोज करना है फॉर 30 सेकंड्स ईच। ब्रीदिंग डीप इनहेल और डीप एक्सहेल चलती रहेगी। द थर्ड वन इज सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज। इसमें कुछ चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है, उसमें यह कि आपने सांस नहीं रोकना, सांस लेते रहेंगे, लेग्स आपकी स्ट्रेट रहेंगी, आप स्लोली ग्रेजुअली नीज पे हाथ रख के स्क्रॉल डाउन कीजिए जहाँ तक आप जा सकें। एक मिनट तक आपने करना है दिन में दो बार। नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज दो कैटेगरीज के होते हैं। इसमें अपने जहन में रखना है कि आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी, लेग्स में बेंड नहीं आएगा। आप इसी तरह पहले राइट साइड पर करेंगे, फिर यही स्लोली ग्रेजुअली स्ट्रेट होकर लेफ्ट साइड पर करेंगे। आपने दोनों पोजेज 30 सेकेंड्स ईच करने हैं दिन में दो दफ़ा, मतलब मॉर्निंग में और इवनिंग में आप कर सकते हैं। ट्री पोज, जिसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हाइट इंक्रीज में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसको भी आप कर सकते हैं स्लोली ग्रेजुअली। शायद आपका जो पाँव है वो आपके काफ्स तक आए या नी तक आए, लेकिन हमने कोशिश करनी कि उसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। एटलीस्ट दो मिनट तक आपने ये पोज करना है दिन में दो दफ़ा। तो दोस्तों, ये कुछ पोजेस थे जो मैंने आपको बताए। इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोशिश आपने ये करनी है कि जब आप ये पोजेस करने लगें तो उससे पहले आपने एटलीस्ट दो घंटे पहले कुछ ना खाया हो। पानी आप पी सकते हैं स्लोली ग्रेजुअली, स्लो स्लो, और इसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना, उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। ये आप पोजेस कर सकते हैं। ये आज की जो कैटेगरी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ बॉडी टोनिंग योगा, बॉडी को टोन अप करना, जिसमें आपकी पोस्चर मेंटेनेंस, आपका फिगर मेंटेनेंस, आपका एक्स्ट्रा फैट्स रिकवरी, आपका गेटिंग इन शेप, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो आप ये आप कीजिए ये प्रैक्टिस। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे रेगुलर सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं जो के होते हैं फिटनेस क्लब में, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे शाम को 7 से 8 बजे, वो ज्वाइन इन कर सकते हैं। या इसके अलावा आप प्राइवेट सेशंस भी ले सकते हैं मुझसे। उसके लिए आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा तो मैं आपको बाकी डिटेल्स भी शेयर कर दूँगा। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये दो आज मैंने आपको पोजेस बताए, हाउ टू इंक्रीज हाइट। ये जिस तरह मेल मेंबर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस तरह फीमेल मेंबर्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हर जेंडर इसको कर सकता है, हर एज इसको कर सकता है, लेकिन जब आप अबव 28-29 हो जाएं तो उसके बाद इनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती है। आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, आपको चेंज फील होगा, बट उसकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं रहती जो इससे लोअर एज ब्रैकेट में होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फेज में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं उसमें आपको डिफरेंट और कैटेगरीज भी बताऊंगा। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा कि आपको योगा किस लिए चाहिए या योगा आपको क्यों अट्रैक्ट करता है, और आपका फीडबैक मुझे हमेशा से मिलता है, जिसके लिए आई एम रियली वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल कि आप अपना फीडबैक मुझे पहुंचाते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ कैटेगरी ऑफ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल योगा। प्री नेटल हेल्प करता है
इन द सेफ एंड हेल्दी डिलीवरी ऑफ अ बेबी, और पोस्ट नटल आपको हेल्प करता है टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टू गेट बैक इन शेप आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो इन कैटेगरीज पे भी हम लोग काम कर रहे हैं विच इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर पहुँचाएगा एंड वील बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ इंटरटेनिंग एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा फॉर यू। और अभी हम इंशाल्लाह अनकरीब पिलाटिस का सेगमेंट भी शामिल करेंगे जिसको आप प्रॉपरली ज्वाइन इन भी कर सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे योगा विद फैसल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हाय एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम।